बगलामुखी मैया बगलामुखी। अभी मैं यहाँ का कुछ व्यू दिखाती हूँ आपको। हम चप्पल तो ये माता बगलामुखी, ये बगलामुखी का वो है शुरुआत। यहाँ पर ही एंटर हो गए सब लोग। सिंगल लड़की का वो नहीं हो रहा था, उसका भी मैरिज का इशू था, तो मेरे को लगा ये बगलामुखी मंदिर में जा रहे हैं। हम अंदर माता बगलामुखी के दरबार में हम पहली बार आए हैं, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज तो यहाँ की कुछ है नहीं है, लेकिन जैसा भी है मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर बगलामुखी माता का मंदिर बहुत बड़ा बड़ा है, नहीं जाना मुझसे। तो यहाँ सबका नाम से हवन होता है, यहाँ सबके नाम से हवन हो रहा है। ये देखो अलग अलग ये मंदिर में भीड़ लगी है। चल 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 ये बगलामुखी माता का मंदिर है। दमनी कर यार वो खुदम घूम जानना रही है फिर खुल्लू। ये बगलामुखी माता का क्या बोलते हैं हवन होता है। यहाँ पे कोई भी इशू होता है किसी का, तो इसलिए वो हवन कराते हैं, तो उनका हवन करा के वो इशू ख़त्म कर देती है माता रानी, इसलिए हवन हो रहा है। देखो जिन जिन का जो जो इशू है उन लोगों को हवन पे बिठा रखा है। किसी का शादी का कोई इशू हो, जय हो माता रानी। ये माता रानी के चरण कमल है। देखो ये ऐसे पूजा करवाते हैं यहाँ पंडित। ओ सॉरी, गेट की एंट्री इतनी छोटी है और अंदर माता का दरबार। सही है, वीडियो बनाने देंगे कि नहीं, मैं तो चुपचाप से थोड़ा सा बना रही हूँ, मैंने करेंगे तो मैं बंद कर दूँगी। बगला माता के दर्शन करके आ गए हम, और अब मैं जा रही हूँ गाड़ी में। मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही है, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, इधर उधर चलना बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है। मुझे पानी मिलेगी, पानी नहीं मिलेगी। चलो देखती हूँ। ये है बगुला माता का मंदिर, ये मैं ऊपर से व्यू दिखा रही हूँ आपको। आप आओ घूमने के लिए यहाँ पे, तो अच्छा तो लगता है। खैर पर यहाँ हम पहली बार आए, अभी पठानकोट आ चुके हैं हम। आप हालत देख सकते हो, अभी पठानकोट स्टेशन से बाहर हैं, क्योंकि ये सारी जनता हमारी पूरी खाना खा रही है। अभी सबको खाना वाना खिला के तब ले जाएंगे उधर। तो आज हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है हमारी, और क्या बोलते हैं अभी खाना खाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा खाना खा लेते हैं क्योंकि खाना खा नहीं रहा है। देखो ये तो खा खा के सतर हो गई, पेट देखो बाहर निकल गया इन लोगों का। तो अभी कुछ खाते हैं क्योंकि राम राम करके नीचे उतर के आए, और पेट में ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है जैसे कपड़ा धोने वाली मशीन चलती है ना, ऐसे करके घूम ऐसे पेट चल रहा है अंदर अंदर।
सांस नहीं बैठ रही मेरी, तो अभी कुछ खा पी के फ्री हो जाए फिर स्टेशन पर पहुँचते हैं। हालत सभी की ख़राब हुई है, देखो संजू, देखो संजू को भी पलटी हुई है, संजू के लड़के को भी पलटी हुई है, और सब जो भी हैं हमारी गाड़ी में सिर्फ दो भैया बच गए थे, दो भैया को उल्टी नहीं हुई, बड़े वाले भैया और एक भैया की साड़ी थी बस, बाकी सबको पलटी हुई। अब क्या करें, अभी तो देखते हैं खाना खाते हैं, कुछ हल्का पूरा खा लें क्योंकि फिर ट्रेन में कहाँ से खाएंगे, ट्रेन का खाना अच्छा नहीं लगता। चलो फिर मिलते हैं बाद में। अभी खाना खा के आ चुके हैं हम, और ये मेरे दोनों चेले भाई दोनों साथ साथ चल रहे हैं क्योंकि सारे लोग खा पी के चले गए, मैं लास्ट गाड़ी में थी तो भैया लोगों के साथ थी मैं, बाकी सब लोग बड़ी गाड़ी में थे तो मेरे साथ में यही थे दोनों और भैया लोग थे, तो बस अब हम साथ साथ खाना खा के बाद में आए, तो अभी हम पहुँचते हैं स्टेशन पर क्योंकि हमारी गाड़ी का टाइम हो चुका है, हम बैठते हैं अपनी गाड़ी में फिर थोड़ा सा रिलैक्स लेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, आराम करने के बाद में जब आराम मिल जाएगा हमें उसके बाद में फिर देखेंगे, फिर उसके बाद हंसी मजाक करेंगे, उसके बाद कुछ शूट करेंगे, अभी कोई शूट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने पठानकोट टेंट स्टेशन, और हालत बहुत गंभीर हो चुकी है, हमारे बाबू को भी, ये छोटे सा बाबू है इसको भी पलटी आई, बहुत पलटी आई इसको भी, यही परेशान हो गया, लेकिन ये ना ये अपनी गलती से थोड़ा सा परेशान हुआ, इसने एक साथ में खाना वो खा लिया, एक कोल्ड ड्रिंक, फिर उसके बाद मैंगो जूस, फिर मैंगो जूस के बाद फिर क्या खाया, बिस्किट, वैसे ही परेशान हो गया, आज तो सभी परेशान हो गए। चलो ठीक है, तो हाय हाय करो, हाय हेलो। अभी हम आ गए ट्रेन में, और अभी ट्रेन में आके फिर उसके बाद में खाना वाना तो हम उधर ही खा के आए थे, अभी क्या बोलते हैं यहाँ पे बनाया नींबू पानी, तो नींबू पानी सब में बढ़ चुका है, सब ने नींबू पानी पी चुके हैं सब लोग, और पी पाके सब फ्री हो गए, सब कोई कहीं कोई कहीं सो रहा है, इधर ऊपर सो रहे हैं बड़े वाले भैया, नीचे सो रही है मेरे बगल में बड़ी वाली भाभी, और बीच वाली की मान लो चार सीट हमारी नजदीक करती है, चार सीट गिनती है, बाकी एक पीछे वाली उस पर कुछ आगे वाली, मतलब एक ही डिब्बे में, ये अच्छा है, एक ही डिब्बे में सारी टिकटें, सारी सीटें जितनी भी हैं एक डिब्बे के अंदर है, तो ये सबसे अच्छा है, आज हम सब लोग एक ही जगह पर हैं, तो अभी मैंने सोचा ला थोड़ा सा सूट कर देती हूँ, कुछ नहीं है, फिर उसके बाद सोती हूँ, सुबह 4 बजे या 3:30 बजे गाड़ी वहाँ रुकेगी दिल्ली, दिल्ली से हमें ट्रेन चेंज करना पड़ेगा, तो वहाँ से जब ट्रेन चेंज करेंगे फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं, अभी देखते हैं वहाँ से ट्रेन चेंज करते हैं, अभी तो मैं आपको दिल्ली मिलूँगी, ठीक है, अभी दिल्ली मिलूँगी, फिर उसके बाद मैं आगरा मिलूँगी, तो उसके बाद घर मिलूँगी, बहुत दौड़ लगा रहे हैं अभी। चलो तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सूट कर देती हूँ क्योंकि लेट जाऊँगी तो मुझे आलस हो जाएगा, तो शायद ना कर पाऊँ, तो इसलिए पहले से सूट कर रही हूँ। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया है। तो हम आ गए पुरानी दिल्ली, और मैं जा रही हूँ अब नई दिल्ली के लिए, और ये इन्हें सब काम खराब किए, ये जाएंगे टूरला के लिए, अब मैं जा रही हूँ नई दिल्ली के लिए, अभी देखती हूँ नई दिल्ली के लिए क्या सुविधा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कुछ मिल तो नहीं रहा है, मुझे बाहर निकल के देखना पड़ेगा, तो मैं बाहर जा रही हूँ अभी, अभी इनका हमारा सबका बिछोड़ा हो रहा है, सब अलग अलग हो रहे हैं अभी, अभी ये देखो नहीं हो रहे, सिर्फ आप अकेले अलग हो रहे, सब अलग हो जाएंगे अभी, नंबर वाई नंबर हो जाएंगे, इधर ये सब बैठे हैं, देखो इधर हाय हाय, नहीं गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, और इधर ये सब खड़े हैं, चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अभी हम चल रहे हैं निकलते हैं बाहर, बाहर निकल के देखते हैं, ठीक है चलो भाई। ये देखो यहाँ फोटो की तैयारी चल रही है, सबके ना ग्रुप फोटो होगा, आगे बैठो ना।
फूट बिखरने वाला है सबका। न्यू दिल्ली स्टेशन पहुँच रही हूँ। न्यू दिल्ली से मेरे को 5:15 बजे मिलेगी क्या बोलते हैं पंजाब एक्सप्रेस, तो मैं पंजाब एक्सप्रेस में बैठूंगी यहाँ से जाके, और वो लोग तो सब उधर रह गए, मैं इधर आ गई अकेले, तो मैंने इधर से उनको पकड़ लिया पुरानी दिल्ली से, क्योंकि उधर थोड़ा सा सही नहीं था और यहाँ थोड़ा क्लियर भी नहीं आ रहा है, बाद में बता क्लियर आएगा तब। क्योंकि संजू ने रिजर्वेशन था वो पुरानी दिल्ली तक करवाया था, पुरानी दिल्ली से अभी कोई गाड़ी नहीं है न्यू दिल्ली के लिए, तो न्यू दिल्ली जाके आपने पंजाब मिल को पढ़ ली, क्योंकि पंजाब मिल से जाने से मुझे ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे कोई ना कोई मिल जाएगा मुझे, और अगर मैं टुकड़ा जाती हूँ लोगों के साथ में तो मुझे बहुत दिक्कत भी होती, क्योंकि वहाँ से एक तो 10 बजे पहुँचती वो गाड़ी, और थोड़ा बहुत लेट भी हो जाती तो 10:30 बज जाते, तो इसलिए वहाँ से मैंने सोचा नहीं जाऊँगी उधर, इधर जाने से फ़ायदा है, इधर जाते मुझे 15 मिनट लगेंगे घर पहुँचने में, तो 15 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगी, तो क्या फ़ायदा सो वहाँ जाना था मुझे, तो संजू तो कह रहा था वहाँ तक चलो दीदी साथ साथ चलेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया नहीं मुझे नहीं जाना, तो मैं इधर आ गई और मैं जल्दी गाड़ी पकड़ती हूँ, उसके बाद आपसे। अभी मैं न्यू दिल्ली स्टेशन पर पहुंच चुकी हूं और अभी मैं देखती हूं गाड़ी जैसे ही मिलती है वैसे ही निकल लूँगी गाड़ी के लिए, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है घर पहुंचने में, अभी बहुत परेशान हो चुके हैं तो अभी सफ़र करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी है जाना तो होगा ही, क्या करें चलो, लेकिन आप अकेली रह गई हो ना तो अब इतना अच्छा नहीं लग रहा है, जब से तो सब लोग साथ में थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब अकेले ही सफ़र करना पड़ेगा, अब कोई साथ में नहीं है, तो अभी पहुंचती हूँ मैं स्टेशन पे, और स्टेशन से गाड़ी है 5:15 पे, तो 5:15 पे गाड़ी पकड़ूंगी, चलो मैं इधर पे आपको बैग दिखाती हूँ कितनी भीड़ चल रही है। आज सुबह सुबह ही बहुत गर्मी लग रही है, पसीना पसीना हो रहा है चलने में, और बैग में काफ़ी वजन हो गया है, क्योंकि हाथ में मेरे कैंपर था ना, कैंपर था, कुछ प्रसाद हाथ में रखा है और कुछ प्रसाद मैंने अंदर रख दिया है, ये कुछ प्रसाद मेरे हाथ में है और कुछ इसमें बैग में रख लिया है, तो बैग में बहुत ज़्यादा वजन हो गया है, तो अभी इससे भी दिक्कत हो रही है, चलो पर कोई नहीं देखते हैं यहाँ से, तो गड़बड़ में हम ठंडे इलाका में से आए तो इसलिए यहाँ पर गर्मी लग रही है, ठंडा इलाका इसलिए यहाँ पर अभी आपको गर्मी महसूस हो। चलो अभी हम गाड़ी से उतर चुके हैं और मैं उबर बैठक करने वाली हूँ अभी, तो खाना था लेने के लिए, लेकिन हम चला गया भैया के साथ में पिछली घर, तो वो खाने को आया, चलो इसमें सूट नहीं कर पा रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, चलो मैं उधर तक